स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके सामने IPL 2019 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों IPL का मज़ा तब आता है जब दोनों ही टीम 200 से ज़्यादा रन बनाता है, हाई स्कोरिंग मुकाबला होता है। अगर दोनों टीम का अगर रन का टोटल लिया जाए तो 430 लगभग होगा, और उसमें से अगर अंतिम बॉल में कोई भी दिग्गज खिलाड़ी चौके नहीं तो छक्के मारकर टीम को विजेता बनाता है, मतलब शाश रोकने वाली मुकाबला होता है, तभी मज़ा 10 गुना हो जाता है। दोस्तों अगर IPL की बात किया जाए तो दोस्तों 2019 में ऐसे एक नहीं कई मुकाबला था जहां पे बहुत धुआंधार बैट्समैन ने अच्छे प्रदर्शन दिखाकर अपनी टीम को विजेता बनाया था। अगर दोस्तों बात किया जाए ये दोनों टीम का, ये दोनों टीम IPL का सुपरस्टार टीम है, मतलब सुपरस्टार क्योंकि दोनों टीम के अंदर सुपरस्टार भर भर के हैं। अब दोस्तों मैं अभी आपके सामने पूरा स्टोरी खुलासा करूँगा। मैं उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू किया जाए। दोस्तों ये मुकाबला बेंगलुरु में खेला गया था, तो बेंगलुरु का नाम सुनते ही आपको याद आ गया अरे एक टीम तो RCB होगा, 100% सही है दोस्तों। 17 मार्च कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ RCB का मुकाबला था, जिस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर ना केवल बैटिंग करने का फैसला लिया था और वो सही साबित भी कर दिया अपने बैटिंग से, और खुद तो सुपरस्टार है ही, दूसरा सुपरस्टार खिलाड़ी कौन है RCB का, एबी डिविलियर्स। अगर दोनों के बीच में 135 रन का साझेदारी हो जाता है दोस्तों तो दूसरे टीम को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी से पहले कई बार 100 से ज़्यादा रन का साझेदारी बना चुका था। तो दोस्तों इस मुकाबले में विराट कोहली ने 45 बॉल का सामना करते हुए 87 रन का पारी, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट है, जहाँ पे कप्तान विराट कोहली जी ने 2 छक्के और 9 चौके जड़ा। अब बता दूँ साथ में एवी डिविलियर्स जी तो लाजवाब फॉर्म में थे, अंतिम बॉल तक बैटिंग करे और केवल 29 बॉल का सामना करते हुए 63 रन बनाया, जिसमें एवी डिविलियर्स जी ने 5 छक्के जड़े और 4 चौका भी जड़े, 200 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट रहा है, और अंतिम बॉल में छक्का लगाकर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया, और 20 ओवर में RCB टीम ने यहां पे बनाया 205 रन 3 विकेट गंवाकर। अब दोस्तों RCB का होम ग्राउंड में मैच है और 205 रन हैं, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जीतना आसान तो नहीं था, बट क्या ये मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स जीता था, क्या हुआ था रोमांच, अब जरा सुनिए मैं आपको डिटेल्स में शेयर करता हूँ। अब दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का 2 ओपनर क्रिस लिन और नरिन ने अच्छी शुरुआत तो किया। क्रिस लिन ने यहाँ पे 43 रन बनाया यहाँ पे 30 बॉल का सामना करते हुए। दोस्तों नितीश राणा रवि उथप्पा के बीच में भी थोड़ा सा साझेदारी हुआ, दोनों ही 30-30 रन ही बनाया, बात यहाँ पे नहीं बना था। दोस्तों आते हैं डायरेक्ट पॉइंट में, जहाँ पे दोस्तों दिनेश कार्तिक और शुभमन गिल भी थोड़ा बहुत योगदान देने का कोशिश किया। अंतिम तीन ओवर में आपको यहाँ पे 55 रन का ज़रूरत है, अगर 55 रन का ज़रूरत है और कोलकाता नाइट राइडर्स के पास एंड्रो रसेल अभी तक मौजूद है तो ये संभव हो सकता है। दोस्तों बता दूँ 55 रन 3 ओवर 18 बॉल का सामना है, और बॉलिंग कर रहा है यहाँ पे आपका नवदीप शाहिनी ऐसे तो अच्छे बॉलिंग है, पहले ही 2 विकेट उन्होंने अपने नाम कर लिया है। अंतिम ओवर करने चला नवदीप शाहिनी और यहाँ पे एंड्रो रसेल, लगातार 2 बॉल में उन्होंने 2 छक्का जड़ के KKR को अपने ये मैच में जीत की दिशा में धकेल दिया। दोस्तों बता दूँ यहाँ पे 18 ओवर में एवी डिविलियर्स ने 1 ओवर में 15 रन लिया, मतलब 2 ओवर में यहाँ पे जीतने के लिए 40 रन का ज़रूरत है, 2 ओवर बाकी है, टीम सऊदी का 1 ओवर है और दोस्तों यहाँ पे मार्कोस स्टोनिस का 1 ओवर बाकी था। टीम सऊदी का इस ओवर में जो हुआ किसने सोचा भी नहीं था, और एवी डिविलियर्स भी नहीं सोचा था उनका अच्छे बैटिंग के बाद एंड्रो रसेल ने पूरा काम तमाम कर देगा। दोस्तों टीम सऊदी का इस ओवर में एंड्रो रसेल ने 27 रन लिया, लगातार उन्होंने 4 छक्के चढ़ दिए, पर अंतिम ओवर में भी जब भी वो बैटिंग करने के लिए आए तो मार्कोस स्टोनिस को उन्होंने नहीं छोड़ा, 2 बॉल बाकी रहते हुए ही यहाँ पे उन्होंने काम तमाम करके कोलकाता नाइट राइडर्स को 206 रन पर पहुँचा दिया। दोस्तों एवी डिविलियर्स और विराट कोहली जी का बहुत ही सुंदर पार्टनरशिप को पानी में जाते हुए देखना कोई भी RCB फैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, खुशी में झूमते नजर आए कोलकाता नाइट राइडर्स का फैन मसल और द एंड्रो रसेल ने फिर से IPL में एक नए रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 7 छक्के के मदद से उन्होंने इस मुकाबले में 13 बॉल में 48 रन बनाया। दोस्तों क्या आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स का फैन हैं और एंड्रो रसेल का वो मसल पावर फिर से देखने के लिए तैयार है, तो जरूर अपना राय कमेंट करके शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।